दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं यदि आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र कहीं पर भी रहते होंगे तो आपके यहाँ बिजली कनेक्शन ज़रूर होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ने मतलब यू पी ने अब नई बिजली दरें लागू कर दी हैं और आपको नई बिजली दरों के हिसाब से ही आपका बिजली का बिल आना स्टार्ट हो गया है तो क्या नई बिजली दरें हैं पर यूनिट आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा और साथ साथ कितना आपका मंथ में बिल आएगा इसका पूरा अपडेट आज हम देने वाले हैं नई बिजली दर की जो लिस्ट है वो कितनी है आपको पर यूनिट कितना चुकाना होगा इसका पूरा डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया कि आपको कितना चार्ज देना होगा चाहे वो रूरल एरिया हो मतलब ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो तो चलो डिस्कस कर लेते हैं पूरा डिटेल आपको पता होना बहुत ही जरूरी है कि आपका बिजली का जो बिल है वो कैसे आ रहा है अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका जो मीटर रीडर होता है जो मीटर रीड करके आपको बिजली का बिल देने आता तो इधर उधर कर सकता है तो आपको अगर ये दरें पता होंगी तो आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा इतना यूनिट हुआ और मुझे इतना बिजली का बिल आना चाहिए तो चलो पूरा डिटेल के साथ बात करते हैं बनेश उड़म लगातार मैं उपम झागड़ो और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन दोस्तों हेल दी चैनल पर आप तो लगातार अपडेटेड वीडियो देखते देखते रहते हैं मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था और मुझे जानकारी ना होने की वजह से तो इस चैनल पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं नए नए आपको स्कीम्स वगैरह जानकारी मिलती रहती तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो आज का टॉपिक है उसके लिए मैं आपको एक पी पर ले चलूँगा जो कि यू ने जारी की है यू देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यही पीडीएफ इंग्लिश में भी है लेकिन मैं हिंदी में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं मैं सीधा नीचे आपको बताता हूँ आयोग ने उक्त याचिकाओं पर आदेश पारित कर वर्ष दो हजार बाईस तेईस तो रेट शेड्यूल अनुमोदित कर दिया है 2022-23 का ये देखिए अनुमोदित रेट शेड्यूल मतलब बिजली दरें हैं यहाँ पर देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ पहले का नंबर एक देखिएगा घरेलू बत्ती पंखा के लिए जो घरेलू कनेक्शन होते हैं उनके लिए दिया है ग्रामीण आपूर्ति के लिए यहाँ पर दिया है लाइफ लाइन उपभोक्ता क्षमता भार वन किलोग्राम उपभोक्ता यूनिट प्रति माह यहाँ पर दिया है ये दोस्तों जो बी पी एल कार्ड धारक होते ग्रामीण क्षेत्र में उनके लिए है देखिएगा पहले तो फिक्स चार्ज आपका पचास रुपये माह लगता ही है और इसके बाद इनको देखिएगा रुपीज़ प्रति प्रति माह देना होगा जिनके यहाँ मीटर आ, लगा हुआ है इनको फ पचास रुपये फिक्स चार्ज देना होता है इसके अलावा जो यूनिट आप कंजम्पशन करेंगे इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं होती है मीटर अगर आपका लगा है तो वो फिक्स चार्ज पचास रुपये हर महीने देना होता है इसके बाद जो जो पर यूनिट आप बिजली खर्च करते हैं वो देना होता है जो गवर्नमेंट जो कंपनी होती है वो छः रुपये पचास पैसे लेती लेकिन इसमें सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको तीन रुपये पचास पैसे और दे देती है तो आपको कुल मिला के तीन रुपये पर यूनिट देना होता है पचास रुपये आपका मीटर चार्ज प्लस तीन रुपये पर यूनिट और चार्ज होता है सपोज दैट आपका एक महीने का कंजम्पशन पचास यूनिट हुआ पचास यूनिट आप एक महीने में खर्च कर पाए तो डेढ़ सौ रुपये तो वो बन गया तीन रुपये के हिसाब से और पचास रुपये आपका ये चार्ज जो फिक्स लग रहा है दो सौ रुपये पर मंथ आपका बिजली का चार्ज हो गया जो बी पी एल कार्ड धारक हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं उसके हिसाब से आपका बिजली का बिल बढ़ या घट सकता है वहीं अन उपभोक्ता मतलब कि जो बी पी एल कार्ड धारक नहीं है अनमीटर जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा उनको क्या है उनको देखिएगा चार नौ सौ पैंतीस रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से लग कंपनी लेती है लेकिन इसमें चार सौ पैंतीस रुपये सरकार आपको सब्सिडी देती है तो आपको पाँच सौ रुपये माह फिक्स्ड देना होगा जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा है उनको पाँच सौ रुपये माह देना ही पड़ेगा मीटर सहित संयोजन जिनके यहाँ मीटर लगा हुआ उनके क्या चार्जेज़ हैं तो इसका अलग अलग शेड्यूल है सबसे पहले मीटर का चार्ज नब्बे रुपये प्रतिमा आपको एक्स्ट्रा देना होता है आप बिजली यूज करें एक यूनिट या जीरो यूनिट तब भी आपको नब्बे रुपये देना ही पड़ेगा लेकिन इसके बाद अलग अलग शेड्यूल है अगर आप सौ यूनिट यूनिट तक बिजली अपना यूज करते हैं तो छः प्रति यूनिट आता है बिजली का बिल और उसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तीन रुपये पंद्रह पैसे तो आपको जो बिजली की दरें पड़ती हैं तीन रुपये पैंतीस पैसे पर यूनिट पड़ता है तो अगर आप सपोज दैट मान लिया कि आपने सौ यूनिट यूज़ किया एक महीने में तो आपका तीन सौ पैंतीस रुपये तो ये बन जाएगा प्लस नब्बे रुपये और तो तीन सौ मतलब चार सौ पच्चीस रुपये पर मंथ आपका पड़ेगा अगर आप सौ यूनिट के अंदर अंदर, अंदर बिजली यूज करते हैं तब अगर आप 100 से 101 से ले 150 तक यूज़ करते हैं तो आपकी बिजली की दरें हैं जो रेट uh, है वो 3.85 हो जाता है सब्सिडी काटने के बाद वैसे 6.5 लेती ही कंपनी लेकिन 2.65 आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है तो 3.85 पर यूनिट चार्ज लगता है तो तीन सौ पचास यहाँ बन जाएगा और नब्बे और ऐड कर लीजिए तो ऐसे ही देखिए 150 से लेकर 300 के बीच में आपको फाइव रुपए पर यूनिट देना होता है अगर आप डेढ़ से लेकर तीन यूनिट बिजली के यूज करते हैं पर मंथ में तो आपको पाँच प्रति यूनिट वो देना होगा प्लस नब्बे रुपए और अगर आप तीन सौ से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको साढ़े पाँच रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल भरना होता है ध्यान रखें अब सिंगल पॉइंट बल्ब चाह लोड इसके लिए यहाँ पर अलग अलग दरें दी हैं आपको अन्य मीटर सहित संयोजक लाइफ लाइन उपभोक्ता सम्भदा भार वन किलोमीटर ये देख सकते हैं वन किलो वाट के लिए यहाँ पर डिटेल दी है तो यहाँ पर अलग अलग देखिए डिटेल क्योंकि बहुत बहुं सारे वाणिज्य बत्ती होती है जो कि कमर्शियल कनेक्शन होते हैं एनर्जी से उनके लिए अलग चार्ज दिया गया है सार्वजनिक प्रकाश मीटर सहित जो दिया उनके लिए अलग चार्ज दिया गया है मीटर सहित संयोजन एनर्जी चार्जेस वगैरह अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं जैसे निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं जो होती हैं फैक्ट्री वगैरह निजी नलकूप होता है उसका देखिएगा तो अलग अलग यहाँ पर टैरिफ दिए गए लेकिन जो काम की थी टैरिफ आपके ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो आपको मैंने बता दी है तो ये बहुत बड़ा चार्ट है आप देख सकते हैं उद्योगों के लिए अलग चार्ट दिया गया है यहाँ पर जल कल के लिए अलग दिया है राजकीय नल पंचायती नल तथा तो पंप कैनाल के लिए मतलब कि अलग अलग यहाँ पर टैरफ दिए गए हैं ये नए दो हज़ार बाईस तेईस के लिए सरकार ने लागू किए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र और वो जो मैंने आपको बताया है ना वो आपके काम की चीज़ थी आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं आपके पास पी डी एफ है मैंने यहाँ पर एक बार स्क्रॉल भी कर दिया है आप वीडियो को पॉज पा। करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो ये जानकारी बहुत ही जानना आपको आवश्यक था क्योंकि आप सभी के घर में बिजली कनेक्शन है और सभी को बिल चुकाना होता है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग